अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में बहुत ही आसान और सादा सी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आपको बहुत ही पसंद आएगी, स्पेशली अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनको आप ये ज़रूर बना के दें। ये बहुत ही आसान और सादा है और बहुत ही मज़ेदार है। और इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 2 अदद अंडे। सबसे पहले 2 अंडे लेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे चीनी। चीनी को मैंने पाउडर फॉर्म में बना लिया था ताकि जब हम चीनी को अंडे के साथ मिक्सअप करें तो आसानी से मिक्सअप हो जाए। 2 टेबलस्पून फुल भर के मैंने ऐड किया इसके अंदर चीनी। अच्छे से इसको मिक्सअप कर लेते हैं कि चीनी और अंडा जो है बहुत अच्छे से मिक्सअप हो जाए। अच्छे से मिक्सअप हो गए हैं। अब हमें चाहिए ब्रेड। ब्रेड के मैंने लिए हैं 4 स्लाइस लिए थे मैंने, पहले 2 स्लाइस लिए थे, उनको इस तरीके से 4 पीसेस में हम डिवाइड कर लेंगे। उसके बाद लेंगे सैंडविच चीज़, उसको भी 4 पीसेस में हम इस तरीके से कट कर लेंगे। अब उसका एक एक हिस्सा लेते जाएंगे, एक एक पीस और सैंडविच के अंदर उसको लगा लेंगे इस तरीके से। तमाम जब पीसेस हमने रेडी कर लिए हैं तो उसके बाद हमने करनी होती है अंडे की कोटिंग। अंडे की कोटिंग जब आपने करनी है तो आपने इसकी मोटी लेयर में, आपने जो है थिक लेयर में आपने इसकी कोटिंग करनी होती है अंडे की, ताकि जब आप इसको बनाएं, इसको फ्राई करें तो ये अंदर तक बहुत नरम बने और अंडे का जो टेस्ट है, एग का जो टेस्ट है वो अच्छे से आपको आए। उसके बाद लेंगे फ्राई पैन। फ्राई पैन में मैंने डाला है मक्खन। अगर आपके पास मक्खन मौजूद नहीं है तो कुकिंग ऑयल के साथ भी आप बना सकते हैं, या नॉर्मल जो भी घी आप घर में इस्तेमाल करते हैं उसके साथ भी आप बना सकते हैं, लेकिन मक्खन के साथ आप बनाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार बनेगा, ज़्यादा अच्छा इसका टेस्ट आता है मक्खन के साथ, तो मैंने मक्खन का इस्तेमाल किया है। उसके बाद यहाँ पर एक बात का आपने ख्याल रखना होता है कि फ्लेम को आपने हाई नहीं रखना, बहुत लो फ्लेम के ऊपर आप हम इसको बनाएंगे। जब एक दफ़ा फ्राई पैन अच्छे से गर्म हो गया तो फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें, क्योंकि उसके ऊपर हमने चीनी और अंडे दोनों की कोटिंग की है, और चीनी जो होती है ये बहुत जल्दी जो है डार्क हो जाती है, तो इसलिए इसको फ्लेम को बहुत लो रखेंगे, इतनी देर तक लो रखेंगे कि इसके ऊपर मुनासिब सा बस गोल्डन सा कलर आ जाए, बस इतनी देर ही हम इसको पकाएंगे। पाँच से सात मिनट ये लेगा, बल्कि इससे भी कम, और ये बहुत जल्दी से इसके ऊपर एक लाइट सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा। बच्चे जो होते हैं, अक्सर बच्चे एग खाना पसंद नहीं करते, मिल्क वाली चीज़ें नहीं खाते, तो चीज़ के साथ अगर फ्रेंच टोस्ट आप उनको बना के देंगे तो ये खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी है, ना सिर्फ आपको बहुत पसंद आने वाली है ये रेसिपी बल्कि आपके बच्चों की भी बहुत फेवरेट हो जाएगी। तो नाश्ते में आप बच्चों को ज़रूर बना के दें और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। मैंने इसको बनाया तो मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आई और मैंने आपके साथ शेयर की, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक जरूर करें ताकि आप इस चैनल का हिस्सा बन सकें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। अल्लाह हाफिज़।